Students, today we will continue the adjectives. So in previous video we already learned about the definition, examples and first three kinds of adjectives. So today we will continue the same types of adjectives. So it's first of all it's possessive adjectives. So what are possessive adjectives? Look at the examples. Nikki is showing pictures that she has clicked. She is my friend Winnie. Winnie is posing with her brother Vinay. Winnie is showing off his boxing gloves. Here, they are with their parents. These are some of our friends. This is my new puppy. Do you like its kennel? So in these sentences, we read the words like my, her, his, their, my, its, our, and your. So these all are possessive adjectives. So possessive adjectives we always use before the noun. Jene possessive adjectives hunde ne, oh hamesha appa noun to pehla hi use karde haan. For example, my friend. Okay, so my is possessive adjective and friend is a noun. Next is distributive adjective. Adjective which demonstrates a distributive state of nouns. Distributive adjectives refer to each one of a number. Distributive adjective hunde ne jadon apa kisi group nu koi ek man lo group a 40 students da ek group a aur apa individually sab nu ikko cheez announce karni a. मीनस आप सब नू ही इको चीज़ अनाउंस करनी है, बट वो एक ग्रुप बनया हुआ. फिर आप उन्होंने कल्ले कल्ले नू मीनस आप इदा नेम लैके नहीं उन्होंने प्रोनाउंस कर सकते क्योंकि ज़्यादा ने. ठीक है, सो आप उन्होंने इंडिविजुअली जो कुछ कहने एक ग्रुप के इंडिविजुअली जो आप कुछ कहना हों कुछ दसना हों तो आप जो वर्ड्स यूज करते हैं ताकि वो सारे ग्रुप नू भी अनाउंस हो जाए और पर्टिकुलरली किसी का नाम भी ना लेना पवे और सब नू ये चीज़ समझ भी आ जाए. फिर आप उत्थे जिहड़े वर्ड्स यूज़ करते हैं आप उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहने. फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. हुण ईच विच इत्थे हर आ सारे आ जाते हैं, चाहे वह किसी भी रूम के मान लो अगर 30 ने तो जो तो आप ईच बॉय कहांगे तो वह 30 के 30 ही ईच दे विच इनकलूड हो जाएंगे. ईदर पेन विल डू, नीदर एक्यूसेशन इज ट्रू. सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिवस. नैक्सट इज इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिवस. सो वट आर इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिवस? द एडजेक्टिवस यूज इन अ सेंटेंस फॉर इम्फेसिस आर कॉल्ड इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिवस. ये की करते हैं ये बच्चे सेंटेंस दे विच कोई मान लो अगर सेंटेंस आ उदे विच कोई पर्टिकुलर परसन आ कोई ऑब्जेक्ट आ कोई थिंग आ कुछ भी आ उदे विच उन्हों जड़ा हाईलाइट वर्ड करता है या वो मान लो किसी सेंटेंस दे विच कोई चीज़ आ वो चीज़ दी की इंपॉर्टेंस आ वो इंपॉर्टेंस दसन वास्ते जड़ा वर्ड यूज होया हुंदा सेंटेंस दे विच इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहने. They highlight or show importance of a particular person or an object in the sentence. For example, this is the very car my brother wants to buy. Hone the importance kiya very car ekia emphasizing adjectives. Next are demonstrative adjectives. These are very easy. Mainly there are 4 adjectives, demonstrative adjectives: this, that, these, those, and this, that we always use with nouns. Look at the example. This is a blue pen. Now what is in the picture? Blue pen is near. देखो बच्चे ये near a blue pen, ये बिल्कुल near a blue pen, इसलिए उन्हें की use की था this. Next is that. देखो बच्चे dustbin जड़ा दूर आ. ठीक है, बट वो सिंगुलर आ और नाउन आ. सो आप प्रोनाउंस करने वास्ते केड़ा वर्ड यूज़ करांगे, उन्हों बोलन वास्ते की यूज़ करांगे? दैट, दैट इज़ अ डस्टबिन. मीनस दिस आप यूज़ करते हैं, दिस दैट दोनों ही आप सिंगुलर यूज़ करते हैं सिंगुलर वास्ते एक जड़ी चीज़ होंगी, बट वो साढ़े दिस उदो यूज़ करते जो नीयर होंगी
तो दैट कदों यूज़ करते जो फार होंगी है. सो हेयर आर द ऑल डेमोस्ट्रेटिवस. दिस और दैट आप सिंगुलरली यूज़ करते हैं, दीज और दोज आप प्लूरली यूज़ करते हैं, बट दिस जेड़ा आ और दीज जेड़ा आ ये आप नीयर थिंग्स जड़िया होंगे उत्थे यूज़ करते हैं, दैट और दोज जेड़ा जो फार चीज़ा होंगे ने दूर होंदिया ने आप उत्थे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर आर द दोज वर्ड हूँ उत्थे आप दोज यूज़ किया होया. फ्लावर्स फ्लावर्स जोड़े ने प्लूरल ने, थ्री ने, मोर दैन वन आ, ठीक है, और फार भी ने देखो, ठीक है. सो आप की यूज़ करांगे, दोज फ्लावर्स आर सो प्रेटी. हुण इत्थे क्रियोन्स ने ये बिल्कुल उहदे नीयर आ, ठीक है, बट ये ज़्यादा ने प्लूरल ने, सो आप की यूज़ करांगे, दीज आर माई फेवरेट क्रियोन्स. ओके लुक एट द पिक्चर, क्रियोन्स उहदे बिल्कुल नज़दीक आ, सो आप इसलिए आप इत्थे दीज जिहड़ा ओह यूज़ किया. सो नैक्सट आर इंटैरोगेटिव. इंटैरोगेटिव बच्चे वो होंगे ने जिन्हें आप क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है. इंटैरोगेटिव एडजेक्टिवस होंगे ने और उन्होंने नाउन्स मीनस वो क्वेश्चन बनाते हैं, किमें लाइक वट कलर डू यू वॉन्ट टू पेंट यूर हाउस. हूँ देखो बच्चे इतने वट जोड़ा है वो इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव आ और कि तो पहला आया हुआ नाउन तो पहला. जोड़ा इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव आ भी ऑलवेज नाउन तो पहला ही यूज़ होगा और वो की होगा क्वेश्चन पुट किया होगा. नैक्सट एग्जाम्पल इज हूज बैग इज दिस. हूज की है इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव. हम देखो बैग की है नाउन आ और नाउन तो पहला यूज होया होया, ठीक है. नैक्सट इज विच वॉच डू यू वॉन्ट टू बाय और सेम ये भी विच जरा इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव आ और वॉच जी नाउन आ. सो दीज आर यूर नैक्सट फोर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. वॉच एंड वॉच द वीडियो केयरफुली एंड प्रॉपरली.